चंबा सलूनी मार्ग पर कार सवार दो युवकों से 512 ग्राम चरस की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान विपिन कुमार वासी गांव डांड व सतीश कुमार वासी गांव भगोत्ता के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है। आरोपी से चरस खेप की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने चरस तस्करी में प्रयुक्त कार को भी कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट चंबा के मुख्य आरक्षी परमेश शर्मा की अगुवाई में टीम ने डनून के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान केहार से चंबा की ओर आ रही कार को निरीक्षण हेतु रोका गया। पुलिस टीम को देखकर कार सवार विपिन कुमार व सतीश कुमार घबरा गए। पुलिस ने संदेह के आधार पर कार की तलाशी दौरान दोनों के कब्जे से 512 ग्राम चरस बरामद की। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा जितेंद्र चौधरी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने दोहराया कि जिला में सक्रिय चरस माफिया की धरपकड़ हेतु अभियान लगातार जारी रहेगा।